आज हम पहुंचे हैं SPS इंटरनेशनल स्कूल में और यहाँ पर अध्यापकों का किस तरीके का इवेंट यहाँ पर चल रहा है, आइए दिखाते हैं अध्यापकों का इवेंट आपको। इंटरनेशनल स्कूल में अध्यापकों द्वारा मोटिवेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इवेंट में सभी अध्यापकों ने अपनी अपनी राय देकर बताया कि बच्चे के साथ अध्यापक का किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ तमाम चीज़ों के लिए मोटिवेट कैसे किया जाना चाहिए। अध्यापकों ने स्पीच देते हुए बताया कि आज का बच्चा अपनी संस्कृति को ना भूले, इसलिए उन्होंने दोहे भी इस इवेंट में गाए और बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए भी बताया गया। हम मतलब टीचिंग करते हैं, डेली हम आ रहे हैं, अपना क्लास वर्क ले रहे हैं डेली हम, और रिजल्ट भी हम डे बाय डे अच्छा दे रहे हैं, लेकिन आज जो गैदरिंग हुई ये मुझे लगता है बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि इसमें हमें एक मौका मिला है कि हम एक ग्रुप में, अब तक हम मोटिवेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन अब ग्रुप में मोटिवेट करने को मिला हमें टीचर्स को, मोटिवेट टू द मोटिवेटर्स कहूँगी मैं इस चीज़ जी। तो मैम, जिस तरीके से आपने मोटिवेट जो किया वो उसका अंदाज़ कुछ अलग था, आपने एक धार्मिक तरीके से एक दोहे के साथ जो है टीचर्स को मोटिवेट किया, एक बार मैं कहना चाहूँगी आपको कि एक बार आप करके जी मैम देखिए। अब मैंने जो इस संस्कृत के श्लोक को लिया, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो इंग्लिश सोसाइटी में ऐसा लगता है कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो एक अच्छा टीचर है, वो मतलब वही एक इंसान है, हिंदी बोलने वाले को डिमोरलाइज किया जाता है, जबकि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तो ये चाहती हूँ स्कूलों में लिख दिया जाए कि वेदों की ओर चलें, सभ्यता और संस्कृति हमारी वहीं से है मैम। तो मैं उस श्लोक के साथ शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि टीचर्स ही थे इसमें और जो मोटिवेटर्स कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, और चाहे डॉक्टर है चाहे इंजीनियर है, आखिर बेस उसका एक टीचर ही है, टीचर ही बनाता उसको। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो ये श्लोक था जिसमें मैंने सभी गुरुओं को नमन किया जिन्होंने मुझे पढ़ाया है और जिन्होंने सृष्टि को रचा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल के संचालक सुरेश भारद्वाज ने अध्यापकों के इस इवेंट में अध्यापकों का जोश देखकर सभी स्टाफ मेंबर को धन्यवाद किया और हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए कहा। इस सेमिनार से मेरी एक बार जरूर समझ में आ गई, आप सबके अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा है, बाहर से बुलाए हैं, वाकई में आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं और सच में आपने अपने आप को पहचान लिया, तो SPS को नंबर वन बनने से कोई नहीं। तो मैम, जिस तरीके का आज जो SPS इंटरनेशनल स्कूल में जो इवेंट रहा है वो किस तरीके का इवेंट रहा है? ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है और मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट सभी स्कूल्स को करने चाहिए, क्योंकि जो प्रतिभा एक टीचर के अंदर है और वही प्रतिभा एक स्टूडेंट के अंदर तभी जाएगी जब हमारा टीचर उजागर होगा, जब हमारे टीचर को ये पता होगा। आज SPS इंटरनेशनल स्कूल में इस कार्यक्रम के बाद मुझे एक चीज़ तो पक्की हो गई है कि SPS इंटरनेशनल स्कूल ना हमारे एजुकेशन सिस्टम के जितने भी मान्य हैं जितने भी पॉलिसी उस पर खरा उतरता है, जिस तरह का सोच जिस तरह की विचारधारा यहाँ पे मुझे टीचर से बात करके उनकी एक्टिविटी से पता लगी है, ये एक एक क्वालिटी दर्शाता है कि किस तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स को नर्चर कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में जब मैं जाती हूँ सेशंस करती हूँ तो मैं अक्सर ये देखती हूँ कि टीचर्स जो है वो क्वालिटी स्टूडेंट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन जो स्टूडेंट वीक होता है उसके ऊपर बहुत फोकस नहीं किया जाता। लेकिन इस स्कूल में ये मैंने अंतर देखा कि हर तरह के स्टूडेंट को लेकर के हर तरह से उसका संपूर्ण विकास जिसे हम कहते हैं कंप्लीट डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, एंड जिस विचारधारा के साथ टीचर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जितने हैप्पी माहौल मैंने यहाँ पे देखा है वही
एक सेटिस्फाइड और एक सक्सेसफुल जो सोसाइटी मैं बोलूँगी उसका निर्माण कर पाएंगे। बहुत सुंदर जा रहा है और जिस तरीके से सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं विच इज़ यू नो एक्चुअली दे आर एडिंग मोर एनर्जी टू दिस पर्टिकुलर सेशन एंड दे गेनिंग अ लॉट आउट ऑफ इट विच इज़ रियली गोइंग टू हेल्प देम इन द फ्यूचर एक्टिविटीज ऑल्सो द वे दे गोइंग टू वर्क विद द स्टूडेंट्स एंड गोइंग टू हेल्प देम इन ग्रोइंग सो द थिंग्स दैट आई एम शेयरिंग एंड दे आर ऑल्सो एडिंग देयर ओन लर्निंग्स टू इट collectively is going to help a lot in you know helping the student grow in a proper manner anubhav hai mere liye ji yahan par bahut sari cheeze hame seekhne ke liye mili aur bahut kuch hamare andar jo chhipi hui cheeze hain unhe ujagar karne ki koshish ki gayi hai hame batane ki koshish ki gayi hai ki aapke andar ye sari qualities hain to ye bahut acha raha hai ma'am aur bahut hi beneficial hoga sabhi teachers ke liye ji to aapne dekha jis tarike se SPS international school mein jo hai adhyapak kitne jo hai motivate hain aur kis tarike se bachchon ko motivate karne ke sath sath unko success tak lekar jate hain zero se lekar aur success tak bachchon ko motivate karke rakhna ek bahut bada challenge jo hai wo ek adhyapak ke liye hota hai aur aapne dekha hoga ki kis tarike se adhyapak kitna motivate hai SPS international स्कूल का तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जब अध्यापक इतना मोटिवेट है तो बच्चा कितना जो है स्टूडेंट्स मोटिवेट होगा और सक्सेस की तरफ वो कितनी शानदार तरीके से अपनी सक्सेस को प्राप्त करेगा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहें सर्वोदय टीवी के साथ।